एज सेंसर के साथ HTC ने लॉन्च कर दिया एक नया सेलफोन। मई में ये सेलफोन लॉन्च हुआ था ताइवान में, इंडिया में ये सेलफोन एंड ऑफ द मंथ आ जाएगा। तो जानेंगे HTC के इस सेलफोन के बारे में पूरी डिटेल में, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट, क्या एक्चुअल उधर का रिव्यू था और कौन से कॉम्पिटिटर्स इस सेलफोन के हैं। तो मेरा नाम है भूषण, आप वैरायटी स्टफ पे, और बात करेंगे HTC U11 की। HTC U11 जो मई में ताइवान में लॉन्च हुआ था वो एंड ऑफ द जून इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। प्राइस टैग बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये एक स्क्विजेबल स्मार्टफोन है, जैसे इसको नाम दिया गया है कंपनी की तरफ से, तो क्विजेबल स्मार्टफोन। तो इस स्क्विजेबल स्मार्टफोन की क्या क्या स्पेसिफिकेशन थी ये जानेंगे सबसे पहले। तो बात करेंगे स्क्रीन की। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से सिक्योर करी गई है इसकी 5.5 इंच स्क्रीन, जो स्क्रीन है ये HDMI स्क्रीन है, और ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छे रेशो में है। HD होने के कारण बहुत ज़्यादा अच्छी है ये स्क्रीन। प्रोसेसर की अगर बात करें तो 830 कॉलकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इसमें है, और रैम जो है वो 6GB की रैम है। दो वेरिएंट में वैसे तो ये सेलफोन आता है, 4 और 6GB की रैम में। 6GB का रैम जो वेरिएंट है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और इंटरनल मेमोरी की बात करें तो ऑन बोर्ड इसकी मेमोरी जो है वो 128GB है, और ये एक्सपांडेबल नहीं है एज यूजुअल। अगर बात करें बैटरी की, 3000 mAh की बैटरी है, क्विक चार्ज 3.0 से ये आता है के साथ आता है, और ये बैटरी आपको 25.6 आवर्स का बैटरी बैकअप देगी अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो तो। कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा 12 MP का है और रियर कैमरा 16 MP का है। दोनों इससे 4K वीडियो शूट्स कर सकते हो। क्योंकि ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, प्राइस टैग भी उतना ही अच्छा होगा। तो प्राइस टैग इसका है 52,990 इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तब। और नया जो इसमें एक लाया गया है एज सेंसर टेक्नोलॉजी जो HTC ने लॉन्च की है, ये एज टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या वर्क करती है, जब आप एज पे उसको स्क्वीज करोगे तो अगर आपको सेलफोन से मैसेजेस सेंड करने, आप मैसेज सेंड कर सकते हो। अगर आपको किसी को कॉल करना है, कॉल कर सकते हो। अगर मैं ये बोलूँ आपको, हर एक वो चीज़ कर सकते हो जो आप स्मार्टफोन में करते हो, जस्ट आपको स्क्वीज करना है, दबाना है एजेस को, और आपका फ़ोन काम करना चालू कर देगा। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी HTC ने लाई है। अगर बात करें इसके एंड्रॉयड सिस्टम की, ये चलता है 7.1 नोगट पे, और 830 ऑक्टाकर प्रोसेसर होने के बावजूद ये प्रोसेसर, ये फ़ोन और ये प्रोसेसर और ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। बात बता दूँ अगर इसके लॉन्चिंग डेट की, तो एंड ऑफ द मंथ ये कभी भी लॉन्च हो सकता है इंडिया में, और सेल होगा अमेज़ॉन के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अमेज़ॉन पे मैक्सिमम फ़ोन वैसे भी आ ही जाते हैं, तो HTC का भी आ ही जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि इसके कंपेटिटर्स कौन कौन हैं, तो हर एक वो फ्लैगशिप सेल फोन एंड्रॉयड का या फिर एप्पल का ले लीजिए आप, S7, S8 आने वाला है, उसके बाद में गूगल पिक्सल, उसके बाद में अब गूगल के फ़ोन जो भी है, जितने भी सब, हर कोई फ़ोन जो फ्लैगशिप फ़ोन है वो इस फ़ोन को एक कंपटीशन ज़रूर देगा। तो देखना यह है कि क्या गूगल पिक्सल और बाकी फ्लैगशिप सेलफोन के कंपिट में ये सेलफोन चल पाएगा कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसका जो प्राइस टैग है बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट हर बार हर एक फ्लैगशिप सेलफोन, अगर वन प्लस की बात छोड़ दे तो हर एक फ़ोन बहुत ज़्यादा महंगा ही बिकता है इंडिया में। इसका रीज़न शायद कोई नहीं बता सकता। तो इसका 52,000 का जो एक बजट HTC लेके चल रही है, शायद
52,000 में आपको इससे अच्छे सेलफोन मिल जाएंगे अगर आप मुझे पूछेंगे तो। रिकमेंडेड सेलफोन्स अगर आप बोलोगे तो मैं गूगल पिक्सल 1 की बात करूंगा। गूगल पिक्सल 1 ज़्यादा कम्पीट करेगा S7 एज और उसके साथ ही एप्पल आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली फ़ोन है लेकिन फिर भी कम्पीट ज़रूर करेगा अच्छे से वो भी। तो देखना ये है कि मार्केट में आने के बाद इंडिया में ये फ़ोन कितना चलता है। ताइवान में तो ये सेल फोन एक ओवरऑल ठीक ठाक ही चला है, तो देखते कि इंडिया में इसका क्या होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। बेल आइकॉन से होगा ये कि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दिस इज भूषण साइनिंग ऑफ। थैंक यू।